टू खजपेनी। ओके तो अभी ऊपर का रास्ता है मुक्तिनाथ के लिए। ये रास्ता ठीक है करीब 10 किलोमीटर के बाद में। अभी हम और ऊपर हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हैं। ये रास्ता मेरे ख्याल से झालकोट के लिए जा रहा है, ये मुक्तिनाथ के लिए जा रहा है। अभी ऊपर जा रहे हैं हम, हवा काफ़ी तेज़ होती जा रही है यहाँ, काफ़ी हाई चढ़ाई है ये माउंटेन्स। अभी हम और ऊपर चलते जा रहे हैं, और ऊपर एल्टीट्यूड में जा रहे हैं काफ़ी। गाड़ी भी थोड़ी दम ले रही है ऊपर चढ़ने में। कैमरा हाथ में रख लिया मोबाइल का यार। तो भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और क्लियर होती जा रही है कहानी ऊपर की। हुआ आज सूरज थोड़ा निकला है, मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, क्लाउडी है। इससे आगे विलेज का नाम है झारकोट, उसके बाद हम पूछेंगे मुक्तिनाथ टेंपल। कुछ लेना हो तो ले लो, कुछ लेना चाहेगा क्या यहाँ से? हैं है? चल ठीक है। गांव में हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर शॉल टोपे और जो सर्दी का आइटम है यहाँ के लोकल वो मिल रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपको लद्दाख में मिलेंगी। ये देखिए एक साइकिलिस्ट आ रही है, विदेशी है कोई, आ रहा है साइकिलिस्ट। सामने का दृश्य बहुत सुंदर है, बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर। एक छोटा वीडियो बना लिया है ना बाद में। लिखा हो मुक्तिनाथ 3 किलोमीटर। सब तरफ सुंदर नज़ारे यार, काफ़ी एफर्ट लगाया हम दोनों का इधर आने में, लंबी जर्नी रही है और आकर के बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा हुआ हम वापस नहीं गए, तो ये मिस हो जाता पूरा। ये आ गए हम झारकोट विलेज, झारकोट गांव। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है हमको, वहाँ पर हमको मुक्तिनाथ मंदिर है। ये पूरा विलेज है, मॉनेस्ट्रीज बनी हुई है, होटल प्लाजा रेस्टोरेंट, यहाँ से हमको ये होटल रहेगा हमारा। ओके सामने बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, सर्दियों में यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होगा, ये पूरा ठक जाता होगा सर्दियों में। तो हेल्थ चेक पोस्ट भी है यहाँ पर, एक कोई परेशानी हो तो
जा रहे हैं मुक्तिनाथ मंदिर की तरफ, उसके बाद हम यहाँ से वापस तातोपानी की तरफ जाएंगे। आखिरी 10 किलोमीटर बहुत अच्छे हैं, उससे पहले 20 किलोमीटर ये याक खड़ा हुआ भाई, और ये है कुबर सामान बनाने के लिए, ये याक खड़ा हुआ है, सवारी कराते होंगे इसकी। लौट कर रुकेंगे भाई, लौट कर रुक लिए हो, क्यों नहीं मिलेगा, वो यहीं है, अब वो टूरिस्ट के लिए खड़ा हुआ भाई, सवारी करने के लिए। जो याक तुमने देखे वो याक टॉप या लेवल के हैं, जैसे वो कैसे लगा रखे हैं ऊपर पानी वानी गर्म करने के लिए। ये है मुक्तिनाथ का मंदिर जहाँ हम आ चुके हैं, बाइक वाले को जा सकते हैं ऐसा सुना है मैंने, तो अभी हम जा रहे हैं उधर। नमस्कार, तो अगर आप बाइकर्स हैं तो आप जा सकते हैं, और बड़ी गाड़ी यहाँ अलाउड नहीं है, बस वगैरह। तो ये पूरा मुक्तिनाथ का वो बसा हुआ है, देखिए काफ़ी पब्लिक है यहाँ, कैमरा वगैरह चालू है, वापिस जाऊँ गाइस। बहुत सारे होटल्स यहाँ बने हुए हैं, छोटी मोटी जगह नहीं है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, तो ये है मुक्तिनाथ के मंदिर के नीचे का पूरा एरिया, मुस्टैंग वैली में। फाइनली मुस्टैंग वैली का अराइवल हो चुका है, तो गाइस ये मुक्तिनाथ की एंट्री है, मुक्तिनाथ टेंपल आ चुके हैं हम तातोपानी से। लगा देते हैं मोटरसाइकिल, उधर से उधर से लगा दूं पहले। ये साहब की गाड़ी में तो बेस्ट बनना नहीं है। पार्किंग कर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हो बाबा भोलेनाथ की। वेलकम टू मुक्तिनाथ टेंपल। फाइनली मुक्तिनाथ टेंपल आ चुके हैं, ये सीढ़ियां हैं, वहां तक चढ़ के जाना है, तो अभी पहुंचते हैं, ऊपर से दृश्य भी दिखाएंगे। ये पूरा एरिया है सामने, पूरा अन्नपूर्णा का रेंज, हंस के देखिए